अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू शहनीला मेकअप व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो ग्लैमरस आई मेकअप पे है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह से कितने इजी टू इजी वे में जाके आप लोग ये आईज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सब से मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और एंड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह से लगी है। ठीक है, ये मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने प्रोडक्ट्स भी शो करती जा रही हूँ एंड मैं अपना आई मेकअप भी करती जा रही हूँ। आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग कोशिश किया करें जब भी आप कोई वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिकॉज़ जब हम वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जिनकी अगर मिस करने की वजह से हमारा मेकअप या हमारा लुक कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने शेड्स भी मेंशन करती जा रही हूँ, आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। जिन्हें जिस चीज़ में मुश्किल आ रही हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी अभी मेरी न्यू न्यू वीडियोज़ हैं और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोगों ने इग्नोर करना है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और अच्छी ग्रिप हो जाएगी मेरी भी वीडियोस में। बाकी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकूँ और दिखा सकूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसा कोई सीन है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप लोगों ने इग्नोर करना है। बाकी सबसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैंने वैसे तो वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी, लेकिन मैं अगेन आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि सबसे पहले मैंने आईज़ का बेस कोट करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया था, वो रिवाज वालों का था। एंड अगेन मैंने उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था एंड देन मैंने आईज़ का जो था वो बेस कोट बनाया था। आपको पता है कि वो पिंक पीच कलर से मैंने वो बेस कोट किया एंड देन मैंने वाइट कलर का मैंने जेल लाइनर लिया, जिससे मैंने आईज़ के ऊपर कट क्रीज की एंड उसके ऊपर फिर मैंने वाइट कलर अप्लाई किया। वाइट की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है, आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी ब्लेंडिंग है वो 100% हो। आप कोई भी कलर्स उठा रहे हैं उनकी ब्लेंडिंग आपकी अगर परफेक्ट हो गई तो आपका आईज़ मेकअप कम्प्लीट है। आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं, जिन भी कलर्स के साथ खेल रहे हैं, अगर वो कलर्स की ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका आई मेकअप कम्प्लीट है। एंड आपने जो लैशेज हैं उनके अच्छा साइज़ सेलेक्ट करना और अपने मेकअप के लिहाज से उन्हें परफेक्ट दिखाना, ये आपके हाथ में है। बाकी आई मेकअप का फुल लुक आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये आई मेकअप किस तरह से लगा। और जो लोग ये आई मेकअप मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो मेरे सैलून पे विज़िट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखने हैं और जिस चीज़ में मसला आ रहा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, अगेन वीडियो उस पर लेके आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।